सबकी तैयारी में अप एंड डाउन आते रहते हैं, कभी कोई हाई पे होता है, कभी कोई लो पे होता है, कभी कोई मिडल पे होता है, और ये चलता रहता है। ऐसा ही जब मैं तैयारी कर रहा था तो 2001 या 2 के आसपास की एक की बात होगी, तो मेरे को भी ऐसे लगने लगा कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या करें। तो एक किताब, पता नहीं, जब आप ये सोचते हो कि मुझे आगे बढ़ना है तो ईश्वर आपकी कहीं ना कहीं से मदद करता है, तो पता नहीं कहीं से एक किताब मेरे पास आई, शिव खेड़ा करके एक ऑथर हैं, बहुत फेमस ऑथर हैं, उन्होंने लिखा था यू कैन विन। हाँ, उस किताब को मैंने पढ़ना शुरू किया, अपने कोर्स की किताबों के साथ साथ उसे ही पढ़ने लगा और उसके नोट्स भी बनाए, साथ ही साथ उसके कुछ पॉइंट्स में नोट्स भी बनाए मैंने। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी उसके नोट्स का कुछ एक हिस्सा है जो आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत काम आती हैं, जैसे हम अगर तैयारी कर रहे हैं तो हम तैयारी क्यों कर रहे हैं? हम तैयारी कर रहे हैं सिलेक्शन के लिए। तो इसको अगर दूसरे शब्दों में कहूँ कि प्ले टू विन नॉट टू लूज, हम इसलिए तैयारी नहीं कर रहे हैं कि हमें हारना है, हमें पेपर में सेलेक्ट नहीं होना है, हमें सेलेक्ट होना है। तो फिर हमारी तैयारी वैसी होनी चाहिए जितना कि पेपर में रिक्वायर्ड है, मिनिमम रिक्वायरमेंट से आगे आना चाहिए। तो इसलिए जब आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को इवेल्युएट करिए, अपने आप को जज करिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या मैं सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहा हूँ या सिर्फ दिखाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ, क्या सिर्फ इसलिए तैयारी कर रहा हूँ कि पेरेंट्स चाहते थे, क्या सिर्फ इसलिए तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि ये एक फैशन बन गया है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है जो कि तैयारी कर रहा है, क्योंकि सब लोग तैयारी कर रहे हैं। नहीं, आप किस लिए तैयारी कर रहे हैं? आप तैयारी कर रहे हैं सिलेक्शन के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमसे गलतियाँ भी होंगी, लेकिन अच्छा आदमी वो होता है, समझदार आदमी वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले और खुद वो गलती ना करे। तो इसलिए तैयारी के अंदर जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा कंसेप्ट मुझे बिल्कुल अच्छे से याद रखना चाहिए, किस कंसेप्ट के अंदर क्या सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, कहाँ पे किस प्रकार का कंसेप्ट यूज होने वाला है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आप न केवल खुद से सीखें बल्कि अपने टीचर से भी सीखें, अपने साथियों से भी सीखें, अपने सारे इंटरनेट से भी सीखें, सब जगह से सीखें कि मैं किस तरह से दूसरों ने जो गलतियां करी उनसे सबक ले सकूं और खुद वो गलती न करूं। एनालाइज करें हर चीज़ को, ठीक है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब हम तैयारी करते हैं ना तो कभी अच्छे नंबर आते हैं, कभी बेकार नंबर आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा डीमोटिवेट करते रहते हैं। अरे क्या रहा, इस बार तो तेरे सेवल 60% मार्क्स ही रह गए, ओहो क्या कर रहा है ये, ऐसे थोड़ा तैयारी होती है, बायोलॉजी कोई ऐसे पढ़ी जाती है क्या, ऐसे नहीं वैसे पढ़ वैसे कर। ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल छोड़ दें जो आपको डीमोरलाइज करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, आपको डाउन लेके आते हैं। ऐसे लोगों का साथ रखो जो कि हाई मोरल करेक्टर के हों, जिनके अंदर जज्बा हो, जिनके अंदर एनर्जी हो, जिनके अंदर ऐसा पॉजिटिवनेस हो कि आपके अंदर भी उनसे मिलके पॉजिटिव एनर्जी आ जाए, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उन लोगों का साथ छोड़ दें, उन लोगों को अलग कर दें जो कि आपको डीमोटिवेट करते हैं, उन लोगों का साथ ले लें जो कि हाई मोरल्स के साथ, हाई एनर्जी के साथ रहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट वो ये कि हम सिर्फ तभी खेल पाते हैं जब हमारे अंदर स्ट्रेंथ हो। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ को देखो और ये देखो कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है, और अपनी स्ट्रेंथ के आधार पर अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड करो। किसी को फिजिक्स पसंद है, किसी को केमिस्ट्री पसंद है, किसी को बायोलॉजी पसंद है, किसी को तीनों पसंद हैं। अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग चैप्टर्स के अंदर अपनी स्ट्रेंथ रखते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी आगे बढ़ाओ, एंड जैसे मैंने वो किताब पढ़ी और उनसे नोट्स बनाए, वैसे आप लोग को भी मैं लगातार मोटिवेट करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के ऊपर बटन दबाओ और रोज़ मोटिवेट हो जाओ और
नीट फोड़ के आओ, ठीक है? ऑल द बेस्ट।